हेलो एवरीवन, वंस अगेन यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। आज मैं आपको पंजाबी रेसिपी, राजस्थानी भी कह सकते हैं, पिंडी छोले बना के दिखा रही हूँ। काले चने पहले भिगो देते हैं रात को, और उसे सुबह 5 सीटी डालिए आप, और उसके बाद उसे इस तरह निकाल लें। इसमें कुछ खड़े मसाले हमने तभी डाल दिए हैं। ये देखिए, ये तैयार है। और अब इसमें मसाले और क्या क्या लगेगा, एक तो ये देखिए, हमने टमाटर का मिक्सी में इस तरह पेस्ट बना लिया है, और छोटे छोटे प्याज चॉप किए हैं, लहसुन अदरक काली मिर्च इसमें दी है, और यहाँ हरी मिर्च, शिमला मिर्च, और इन सबको छोटा छोटा चॉप कर लिया है। इन सबको अब हम इससे किस तरह पिंडी छोले बनाते हैं वो दिखाती हूँ। ये देखिए, कढ़ाई पे हमने तेल लिया है। तेल आप बड़ी 2 चम्मच ले लें, और अकॉर्डिंगली आपके चनों के हिसाब से तेल आप कम बेसी कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कढ़ाई में ये गरम हो गया है तेल। तब इसमें हमने जो जो मसाले चॉप किए थे, जो जो सब्जियाँ, लहसुन प्याज जो भी, और ग्रेवी टमाटर की, और कुछ मसाले, खड़े मसाले, नमक वगैरह आप अपनी स्वाद के अनुसार, मिर्च, लाल मिर्च सब दिए। अब इन्हें 5-6 मिनट पकने देंगे। जब मसाले अच्छी तरह देखेंगे, हाँ तेल भी छोड़ दिया है, अच्छे से सिक गया है, तब इसमें छोले डालें। इसमें छोले डाल दिए, और ऊपर से मिर्ची, धनिया पाउडर, और सब अपनी मर्जी के अनुसार। नमक पहले दे चुके थे, अब इन्हें 3-4 मिनट चलाएंगे और हमारे छोले तैयार। ये देखिए फ्रेंड्स, खीरे का रायता। खीरे को इस तरह छील के चॉप करके घस लिया, और मट्ठा कैसे बनाते हैं बताया हुआ है दही से। देखिए इस तरह मट्ठा बना ले, और इसमें अब काला नमक, सारे मसाले देंगे, काला नमक, नमक और थोड़ा बहुत लाल मिर्च वगैरह, आप और भी कुछ देना चाहें तो दे के। ये देखिए हम नमक दे रहे हैं, नमक आप अपनी स्वाद के अनुसार दें, दोनों ही नमक दें। काला नमक देने से एक अलग तरह की खुशबू आती है और अच्छा लगता है। काला नमक, नमक, मिर्च, और अब दे देंगे इसमें खीरा, और मसाले भी आप कुछ चाट मसाला दें, कुछ भी दें। और कई बार अलग मसाले होते हैं बूंदी के रायते के साथ, वो मसाला अगर इसमें आप दे दें, आपके पास बूंदी हो तो उसके रायते के साथ, वो हमने दिया है, तो एक बाजार के जिस तरह रेस्टोरेंट स्टाइल एक रायता बन जाएगा। अब इसमें मिला देंगे हम खीरा, और इसे और अच्छे से एक बार इस तरह कर लें ताकि सब चीजें मिल जाए मसाले। बस खीरे दे दें, और धनिया पत्ती है तो थोड़ी सी ऊपर से वो दे देंगे। फ्रेंड्स ये देखिए, वेज फ्राइड राइस बना रहे हैं। सबसे पहले चॉप इसमें हमने दिए गाजर, और तेल आप घी भी दे सकते हैं, तेज पत्ता, काली मिर्च, और दिए हमने लौंग बहुत सारी, और अब ये शिमला मिर्च कच्ची है, अभी ने अच्छे से सेक रहे हैं। और चावल कैसे बनाते हैं पहले ही दिखा चुकी हूँ, और बासमती राइस हो तो ज़्यादा अच्छे रहते हैं, वो आप बना लें किले किले। अभी कुछ लोग बनाते समय ज़रा तो नमक दे दें और 1 चम्मच घी दे दें तो चावल और अभी किले किले बनते हैं। पहले बता चुकी हूँ उसकी वीडियो। अभी देखिए तेज पत्ता, सारे मसाले, घी में भी बना सकते हैं, रिफाइंड में भी, और इसमें स्वाद के अनुसार नमक, जितनी क्वान्टिटी आपकी, 1 चम्मच 2 चम्मच। मसालों को अच्छे से पहले इसमें जो गाजर है, बीन्स है, लाल शिमला मिर्च है, इसे पकाएंगे। वो पक गए हैं जो हमने दी थी। अब इसमें हम डाल दें ड्राई फ्रूट्स, आप ड्राई फ्रूट्स कुछ भी दे सकते हैं, काजू, किशमिश, और इलायची भी हमने थोड़ी सी घस के दी है, थोड़ी सी कूट के, और हमारी गाजर शिमला मिर्च के साथ। अब हम इन्हें अच्छे से 2-3 मिनट चलाएंगे, सेक रहे हैं। दूसरी गैस पर तवा चढ़ाएँ, और इसमें एक स्पेशलिटी लाने के लिए इसमें हम पनीर के कुछ पीसेस बना के, तवा गर्म हो जाएगा तो उस पर सेकेंगे। ये देखिए इस तरह आप इसे थोड़ा सा घी डाल के, सारे इनको नमक डाल के, घी डाल के पनीर के सब पीसेस बना के इन्हें रोस्ट करेंगे पलट पलट के, और इधर ये तैयार हो ही रहा है। ये देखिए हमने पलट दिए हैं पनीर को दूसरी साइड से, ये देखिए रोस्ट हो गए एक साइड से। बस अब गैस बंद कर देंगे। मसाला भी फ्राई तैयार है जो हमने डाले थे ड्राई फ्रूट, और वो गाजर भी फ्राई सीख गई है, और ये भी तैयार। अब सिर्फ इन्हें मिक्स करना है। हमने जो मटर उबाले थे वो भी दे रहे हैं, ये पूरे पक गए हैं। मटर हमने 1 कटोरी दिए हैं, आप अपने जितना बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली। और अब इसमें हम देंगे मटर का 1 मिनट नहीं आएंगे, अब इसमें देंगे हम जो पनीर हमने दिया है, रोस्टेड पनीर, अच्छे से मिलाएंगे। और अब इसमें जो नॉर्मल मसाले देते हैं, नमक तो देना ही है, सभी में देते हैं, लाल मिर्च,
कश्मीरी लाल मिर्च के कलर और अच्छा आता है। और गरम मसाला भी हम देंगे, मैं दे रही हूँ 1.5 चम्मच, आप अकॉर्डिंगली दे सकते हैं, हमारी चम्मच छोटी है। हल्के से मिर्च चला के हो जाएंगे हमारे यम्मी यम्मी वेज कबाब। ये देखिए सारे मसाले पक गए। अब इसमें आप जो हमने बासमती राइस बनाए थे कितने खिले खिले आप देख सकते हैं, वो इन मसालों में मिला दीजिए और धीरे धीरे चलाएं सावधानी से, वरना चावल टूट जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते, एकदम खिले खिले एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। इस पंजाबी थाली के लिए बाकी चीज़ों के साथ अब पूड़ियाँ गर्मा गर्म। आटा कैसे मलते दिखाया हुआ है, पेड़े बनाए हुए हैं और देखिए इस तरह इन्हें करके हम बस बेलेंगे छोटी छोटी। और ये कढ़ाई में आप घी में बनाए रिफाइंड में बनाए और तेल गर्म होने पे इस प्रकार दे। ये देखिए प्योर वेज थाली पंजाबी थाली है, तो उसमें ये पूड़ियाँ गरम गरम छोले के साथ बहुत अच्छी, आप देख सकते हैं पूरी फूल रही है। थोड़ा थोड़ा पलट पलट के हल्के हल्के, बस ख्याल रखना है हमारे हाथ में न लगे। ये देखिए इस तरह सारी पूड़ियाँ ये देखें आप तल लें और बस थोड़ी सी सिकने से, ये देखिए इस तरह से सिक गई है, पलटना पड़ता है। और ये हमारी गर्मा गर्म फूली हुई पूड़ी तैयार। इसी तरह आप सारी पूड़ियाँ ये देखिए एक और दिखाती हूँ, धीरे से डालें, हाथ का ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा तेल दे देके। सर्दी है, घी में भी खाओ रिफाइंड में खाओ जिसमें भी खाओ, ये देखिए फूल गई, अब देख के ही खाने की इच्छा करती है। फ्रेंड्स ये है हमारी यम्मी प्योर वेज पंजाबी थाली, छोले पिंडे आप देख सकते हैं, गरम गरम पूड़ियाँ, रायता और ये रसगुल्ले और कश्मीरी पुलाव प्योर वेज। और ये रसगुल्ले भी बीकाजी के हैं स्पेशल गोल मटोल रसगुल्ले। आई होप यू लाइक इट, डू शेयर डू सब्सक्राइब, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस अस ऑल।